संकट लगातार गहराता जा रहा है। बजट न होने से गांवों में विकास की रफ्तार भी कमजोर पड़ गई है। सरपंचों का कहना है कि बजट अटकने से पंचायतों का कामकाज ठप होने लगा है। आखिरकार गांवों की सरकार में कितना बजट अटका है और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्यों अटका है। आइए इस पर तैयार एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, मरुधरा की पंचायतों पर आफत, गहराया बजट का महासंकट, पैसों की किल्लत से कामकाज ठप। प्रदेश की पंचायतों में बजट के महासंकट के कारण काम अटकने लगे। गांव में विकास की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि गांव की सरकार में 8,200 करोड़ रुपए का बजट अटका हुआ है। दरअसल राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग और मनरेगा की राशि जारी नहीं हो पाई है। साल 2022 से अब तक पूरा बजट जारी नहीं हो पाया है। सरपंचों का कहना है कि बजट अटकने से गांव के विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसके चलते गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ मनरेगा का पैसा भी अटकने से गांव में 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर भी सरपंचों में नाराजगी है। तो हमारे जो पैसे हैं अभी के, जो सरपंचों को जो प्रेजेंट कार्यकाल में ही मिलने चाहिए, बाद में अभी देंगे नहीं, आगे प्रशासकों को वो पैसा देंगे तो प्रशासक सही तरीके से उसको जनहित में यूज़ नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव रहेगा, सरकार का दबाव रहेगा, उस हिसाब से वो पैसे यूज़ करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो अभी तक सरपंचों का जो कार्यकाल खत्म होने से पहले जितने भी बकाया पैसा है वो पूरा पैसा हमको मिले। दरअसल राज्य वित्त आयोग प्रदेश की सभी पंचायतों को सालाना 2 किस्तों में करीब 2800 करोड़ रुपए का बजट जारी करता है, लेकिन 2022-23 का 300 करोड़, 2023-24 का 1800 करोड़ और मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 का 1400 करोड़ रुपए का बजट जारी नहीं किया गया। इस तरह से राज्य वित्त आयोग का कुल 3500 करोड़ रुपए का बजट अटका हुआ है। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग की इस साल की आधी किस्त के रूप में मिलने वाले बजट का केवल 700 करोड़ ही जारी हो पाया है। वहीं मनरेगा सामग्री के 2022 से अब तक के 4000 करोड़ रुपए भी जारी नहीं हुए। इस तरह से पंचायतों का करीब 8200 करोड़ रुपए का कुल बजट अटका हुआ है। सबसे खास बात यह है कि पंचायतों में कामकाज तो ठप हुआ ही है, इसके अलावा मनरेगा का बजट अटकने से गांव में 100 दिन के रोजगार पर संकट गहरा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि बजट कब जारी होगा और कब पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज हो पाएगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।